हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सुप्रीम मैक। तो इस वक्त मेरे सामने है टाटा नेक्सॉन के दो वेरिएंट। तो आज मैं करने वाला हूँ इनका फुल डिटेल कंपैरिजन। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपके जो डाउट्स होते हैं कि टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल लिया जाए या टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल लिया जाए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द सुप्रीम मैक। तो वहां जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर अपडेट्स मैं वहां पे जाके देता रहता हूं। तो ये है टाटा नेक्सॉन एक्सेड प्लस पेट्रोल। तो जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही लगती हैं, ऐसे थोड़ा सा फ़र्क लगता है इन दोनों में। जैसे कि इसके नीचे के ग्रिल्स देख सकते हैं, थोड़ी सी सिल्वर कलर में आती हैं, उसमें नहीं आती हैं। एंड यहाँ पे जो मॉडल खड़ा है वो है टाटा नेक्सॉन XM। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से एंड बात करें इसकी हेडलाइट्स की। तो यहाँ पे हमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं एंड इसमें हमें फॉग लैम्प्स का जो ऑप्शन होता है वो भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको हैलोजन फॉग लैम्प्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है एंड जिसका टर्न इंडिकेटर्स है जैसे कि आप देख सकते हैं DRLs में ही है। एंड यहाँ फ्रंट की बात की जाए तो ये रहा इसका फ्रंट का लोगो पियानो फिनिशिंग में। बीच में आपको थोड़ी सी ग्रिल्स देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। ये रही इसके नीचे के स्किड प्लेट्स, थोड़ी सी आपको सिल्वर कलर में इसकी जो फिनिशिंग होगी देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। DRLs का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा है बट यहाँ पे आपको ये साइड नीचे देखने को मिलेगा। फॉग लैम्प्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं बाद में। फ्रंट की ग्रिल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको छोटी सी ग्रिल्स देखने को मिलेगी, टाटा का लोगो। एंड यहाँ पे जो आपको नीचे स्किड प्लेट्स हैं वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगी एंड ये भी इसकी ग्रिल्स। तो यहाँ उस टाटा नेक्सॉन एक्सेड में आपको ग्रिल्स जो थी थोड़ी सी सिल्वर कलर में दिख रही थी, यहाँ पे आपको प्लेन ब्लैक कलर में होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको XM का थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पे पीछे आपको जो रेयर डिफॉगर एंड रेयर वाइपर को जो ऑप्शन होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी अबाउट डेट, क्योंकि कार थोड़ी गंदी हो गई है बट यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको रेयर डिफॉगर एंड रेयर ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है, रूफ माउंटेड एंटीना देखने को मिल जाती है, रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करें इसकी पीछे की टेल लाइट्स की तो यहाँ पे आपको हैलोजन एंड LED टेल लाइट्स दोनों देखने को मिल रही हैं। नीचे बात की जाए तो यहाँ पे आपको नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है एंड अगर पार्किंग सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं नीचे का इसका एग्जॉस्ट। वैसे अगर इसका आपको बूट ओपन करें तो यहाँ से नहीं होगा, आपको अंदर जाके करना पड़ेगा, मैं करके बताता हूँ। यहाँ से इसका बूट ओपन हो जाता है। तो अब चलते हैं एग्जिट प्लस की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेयर वाइपर एंड रेयर डिफॉगर का ऑप्शन होगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको रूफ माउंटेड एंटीना है एंड यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा। रूफ रेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइज, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक जिप पट्टी सी लगी हुई है, जब हम इसको उतारेंगे तो यहाँ पे आपको ये नेक्सॉन की फुल अच्छी सी ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। तो इसको हम वापस लगा देते हैं। एंड पार्किंग सेंसर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे भी आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। एंड एग्जॉस्ट की बात की जाए तो ये रहा इसके नीचे का एग्जॉस्ट। तो पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें एंड इसमें दोनों दो दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब करते हैं इसके बूट को ओपन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे आपको बटन प्रेस करना है इसका बूट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो कर दिया दोनों के बूट को ओपन एंड बूट स्पेस दोनों में सेम ही है जो कि आपको 350 लीटर्स की आती है। तो यहाँ पे आपको जो रेयर पार्सल ट्रे है वो आपको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको एग्जिट प्लस में यहाँ पे आपको जो बूट के पीछे जो लाइट्स होती हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। एंड जो इसका गाइस टायर्स हैं वो आपको यहाँ पे स्टील रिम्स ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये रहा इसका पीछे के पार्सल ट्रे। तो एग्जिट प्लस को हम करते हैं क्लोज। एंड XM में आपको यहाँ पे XM में भी आपको यहाँ पे जो लाइट होती है वो देखने को मिल जाती है। हुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, 3 kg लोड इसमें बेयर कर सकती हैं। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको नहीं आती है। जो इसका टायर है वो भी आपको यहाँ पे स्टील रिम देखने को मिल जाता है। तो करते हैं इसको भी क्लोज। बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पे आपको व्हील कवर देखने को, इसका मतलब स्टील रिम्स ही देखने को मिल रहे हैं। ऊपर आपको व्हील कवर लगा हुआ है एंड जो इसके नीचे मॉडल आता है वो आपको वहाँ पे आपको जो व्हील कवर है वो नहीं अवेलेबल होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 16 इंचेस के स्टील रिम टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर्स में कोई इशू नहीं है, सेम टायर्स ही होते हैं बट यहाँ पे अलॉय एंड यहाँ पे आपको स्टील रिम्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर गाड़ी की हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो टाटा के वेरियंट में ये जो बेस्ट वेरियंट है जिसमें आपको 209 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस होगी वो देखने को मिल जाएगी।
वक्त मैं बैठा हूँ टाटा नेक्सॉन XM के अंदर एंड यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग देखने को मिलती है। मैं गाड़ी की कीज़ आपको बता देता हूँ। तो ये रही कार की कीज़, जब आपको फ्लिप कीज़ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो करते हैं इसको वापस एंड अगर स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए, स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वाइपर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। छोटी सी स्क्रीन है, आप यहाँ से इसके जो कंट्रोल्स होंगे वो कर सकते हैं। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मैनुअल ही देखने को मिल रहे हैं। नीचे आपको एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बूट ओपनर का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैनुअल 6 गियर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट एंड ये एक USB पोर्ट भी देखने को मिलेगा। बात आती है जो कि है सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड। ये रही इसकी हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको कुछ कप होल्डर्स की जगह देखने को मिल जाती है। रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। इसकी जो सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे फैब्रिक ही देखने को मिलेंगी, अलादर सीट नहीं है। तो बाद में आप जाके इस पे कवर चढ़ा सक अगर हम एयरबैग्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड। ये रहा पैसेंजर साइड का सनवाइजर विद वैनिटी मिरर, आपको यहाँ पे साथ देखने को मिल रहा है। ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर नहीं है। एंड ये रहा इसका आगे का IRVM, तो यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर आपकी इसकी जो कैबिन लैंप आ जाती है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सनग्लासेस रखने की जगह आ जाती है। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं विद ट्विटर्स। एंड ये रही इसकी पीछे की सीट्स, तो जैसे कि देख सकते हैं पीछे की सीट्स आपको 50-50 स्प्लिट सीट देखने को मिल रही हैं पीछे की सीट्स। एंड ये रहा इसका 360 व्यू। ग्रैब हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हुक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आपको ड्यूल टोन कलर में अवेलेबल हो जाता है। एंड अगर इसके ग्लो बॉक्स की बात की जाए तो ग्लो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल ही देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको इसको ऑन करके बता देता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी नहीं देखने को मिलेगा। ऑक्स कंपेटेबल है, आईपैड कंपेटेबल है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ से भी रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप रेयर डालेंगे पीछे कोई अगर आ गया तो यहाँ पे आपको बीप करना शुरू कर देगी। एंड जब भी आप हाईवे पे चलाएंगे तो 80 की स्पीड जब होगी आपकी तो एक बीप देगी, एंड 80 से वो 120 तक से अगर ऊपर जाएगी तो ये कंटिन्यूस बीप देना शुरू कर देगी। तो ये रहा टाटा नेक्सॉन XM के अंदर का लुक। एंड चलते हैं टाटा नेक्सॉन XZ प्लस पे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आ गया हूँ टाटा नेक्सॉन XZ प्लस के अंदर एंड यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट टेलीस्कोपिक का यहाँ भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ भी आपको सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा। मेन बात यह है कि आप यहाँ पे आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी विद हार्मन ब्रांडिंग। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो होता है एसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्सॉन की जो बैजिंग होगी वो देखने को मिलेगी। इससे नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एसी के कुछ कंट्रोल देखने को मिलेंगे। XM में आपको स्क्रीन के कुछ कंट्रोल थे यहाँ पे, बट वो हटा के अब यहाँ पे आपको नेक्सॉन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जैसे कि देख सकते बूट ओपनर यहाँ से भी हो जाएगा, आपका लॉक अनलॉक चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ भी आपको है। एंड मैं आपको सबसे पहले इसकी कीज़ बता देता हूँ। तो ये रही इसकी कीज़, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो पीछे देखने को मिलेगा। लॉक अनलॉक बूट ओपनर यहाँ पे आपको कीज़ में भी देखने को मिलेगा एंड लाइट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, 6 गियर में देखने को मिल रहा है। 3 मोड्स अवेलेबल हैं, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स। ये रही पीछे की है। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो आर्मरेस्ट के आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप कुछ स्पेस कन्वर्ट कर सकते हैं जो बॉटल रखने की जगह। सीट की बात की जाए तो फैब्रिक सीट देखने को मिल रही है, या जो पैसेंजर साइड सीट है वो आपको 6-way मैनुअल है एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको 8-way मैनुअल देखने को मिलेगी। सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग देखने को मिलेंगे। वैनिटी मिरर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, बट लाइट्स नहीं है यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में अभी लाइट्स देखने को नहीं मिलती है। एंड ये रहा इसका IRVM, तो इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा। एंड ये इसकी कैबिन लैंप जो कि सेम ही सिमिलर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको 6+ स्पीकर देखने को मिल जाते हैं विद ट्विटर्स। तो इसमें आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। एंड अगर ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1 टच डाउन ड्राइवर साइड में देखने को मिल रहा है, फुल ऑटोमेटिक है। एंड इसके एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देख सकते हैं पियानो फिनिशिंग में इसके जो हैंडल्स होंगे वो देखने को मिलेंगे। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा अलग रख रहा है, यहाँ पे अम्ब्रेला रखने की जगह मिलती है। एंड यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो होता है वो देखने को मिल रहा है, क्रोम फिनिशिंग भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि 1 टर्न स्टार्ट एंड स्टॉप जो होता है। ग्लो बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स में जो लाइट है वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे नहीं था एंड यहाँ पे आपको हो जाएगा। एंड ऊपर भी आपको कुछ स्पेस जो कि वो देखने को मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट इसको। अगर इन दोनों के इंजन की बात की जाए तो सेम ही इंजन लगा है यहाँ पे, आपको 1200 CC का इंजन देखने को मिल जाएगा विथ 300 इन लाइन्स।
सो गाइज यहाँ पे आपको इंजन टाइप की बात की जाए तो 1.2 टर्बोचार्ज रेवरट्रॉन देखने को मिल रहा है, एंड पावर की बात की जाए तो नेक्सॉन XM और XZ प्लस दोनों में आपको 118 BHP की पावर देखने को मिल रही है एट द रेट 5500 RPM, एंड टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 170 न्यूटन मीटर एट द रेट 1750 RPM में देखने को मिल रही है। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों वेरिएंट में सनरूफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि XMS में आपको सनरूफ ऑप्शन होता है एंड XZ प्लस में भी होता है, बट इन वेरिएंट्स में आपको सनरूफ दोनों में नहीं अवेलेबल। तो XZ प्लस के प्राइस वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको 9.99 लाख में अवेलेबल हो जाता है, एंड बात करें XM की तो ये आपको 29 लाख के एक्शोरूम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। तो गाइज ये इन दोनों के एक्शोरूम प्राइस हैं, ये एक्चुअल प्राइस ऑन रोड प्राइस नहीं है। ऑन रोड प्राइस के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको गाड़ी का ये रिव्यू पसंद आया होगा, ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, एंड आपका कुछ ना कुछ डाउट तो आपको क्लियर हुआ ही होगा कि आपको XM लेना है XZ प्लस लेना है। तो और भी इसके मॉडल्स हैं, मैं उनका भी आपको कंपैरिजन डिटेल बता दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुप्रीम मैक, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम।